करीबन 500 साल पहले भील राजाओं द्वारा स्थापित किए गए प्राचीन शिवालय खोरी महादेव मंदिर परिसर में होने वाले विकास कार्य वर्षों से अटके हुए थे, जिसमें कई प्रकार के काम विकास, सौंदर्यकरण व पर्यटन की दृष्टि से होना थे। लेकिन जैसे ही राजगढ़ नगर में नई परिषद का गठन हुआ, नगरवासियों के मार्गदर्शन के साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष विनोद साहू ने इस कार्य को गति देते हुए वहां करोड़ों की सौगात दी और शुरू हुआ विकास कार्य का पहला पड़ाव। नगर के बहुत ही निकट कालीपीठ रोड पर स्थित प्राचीन महादेव परिसर को राजगढ़ नगर पालिका की नई परिषद ने सबसे पहले काम की शुरुआत जो निर्माण शाखा के माध्यम से की है, उसमें बाबा का दरबार, उसकी सड़कें, वहाँ बनने वाले पार्क, स्टॉप डैम सहित भव्य गेट का काम शुरू करा दिया गया है। पहले चरण में लगेंगे पेवर व बनेगा भव्य गेट, साथ ही पार्क व स्टॉप डैम का भी होगा निर्माण। बाबा महादेव के परिसर में खुदी हुई सड़कों को उचित स्वरूप देने की दृष्टि से यहाँ पहले चरण में महादेव मंदिर तक पहुँचने के लिए दोनों ओर बनाई गई चौड़ी सड़कों पर जहाँ सीसी का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अच्छी क्वालिटी के पेवर लगाने का काम भी शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ मंदिर परिसर में बहने वाले झरने के पास एक स्टॉप डैम का भी निर्माण कराया जा रहा है, एवं साथ ही 16 मीटर का भव्य गेट जिसे महादेव के स्वरूप में बनाया जाएगा उसका भी काम जल्द शुरू होने वाला है, जिसके लिए उचित नक्शे व इंजीनियरों द्वारा मुख्य स्थल पर सर्वे करते हुए काम पूर्ण कर लिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई प्रकार के विकास कार्य यहां शुरू भी हो चुके हैं। राजगढ़ नगर में भील राजाओं द्वारा 500 साल पहले स्थापना कराए गए बाबा महादेव खोरी के नाम से जाने जाने वाले इस स्थान पर न सिर्फ नगर बल्कि जिले भर के महादेव भक्त सावन माह में कोई नंगे पैर चलकर आता है तो कोई अपने वाहनों से परिवार के साथ वहां हाजिरी लगाते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बाबा महादेव के दरबार में बहने वाले कलकल झरने, झूलते हुए झूले व उस पहाड़ी पर नज़र आने वाले बंदरों की किलकिलाहट और अन्य पक्षियों के माध्यम से सुनाई देने वाली मधुर स्वर की सावन की आवाज़ें, जिससे कोई अपने आप को वहां पहुंचने से रोक नहीं पाता। यही कारण है कि सावन के पूरे माह में यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। शनिवार को वहां चल रहे विकास कार्यों का जायज़ा लेने नगरपालिका अध्यक्ष विनोद साहू व नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची, जहां चल रहे विकास कार्यों को देखते हुए अध्यक्ष बोले, यह मेरे कार्यकाल का पहला विकास कार्य है जो बाबा महादेव के दरबार में होने वाले इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कार्य में पूरी पारदर्शिता रखते हुए उचित सामग्री लगाकर बाबा के दरबार को सजाएं, जिससे आने वाले समय में आपके कार्य की गुणवत्ता का भी लोग प्रचार प्रसार करें व आपका भी नाम रोशन हो एवं बाबा महादेव आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। इस अवसर पर महादेव खोरी के ट्रस्टी गोपाल विजय वर्गी, आदिम जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश खरे, पार्षद संदीप कटारिया, पांचू दांगी, बिट्टू शर्मा सहित नगर के गणमान्य नागरिक व नगर पालिका की टीम मौजूद रही। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।